नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। और इंडिसेस पे आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन और स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच सेकेंड हाफ के लिए क्या हो, उस पर चीजें करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे होंगे इस कार्यक्रम में आज मौजूद। मीनवाइल अगर आप इस वक्त निफ्टी को देखें तो इट्स 24275 और बैंक निफ्टी 52157। और आज के कुछ एक्सीडेंट्स थे इस बाजार में। एक बार आप निफ्टी आईटी को लेकर आइए, पहले इंडस्ट्रीज को देखते हैं फिर स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे। बैंक निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें 3/4% नीचे, निफ्टी बैंक लगभग 390 अंक नीचे और अभी तो ये फिर भी रिकवरी आ चुकी है। एक समय करीब 37100 तक रिट्रेस हो गया था। उसके बाद देखिए आइए आप रिलायंस, आज प्रेशर डालने के लिहाज से अगर आप देखें रिलायंस का भी एक योगदान रहा, इसने भी प्रेशर इंडेक्स पर डाला, वो लेके आइएगा। और जो सबसे बड़ी घटना थी एक ऑटो स्पेस में वो थी एम एन एम आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज क्रैक हुआ, सब्सटेंशली क्रैक हुआ और 2712 पे अभी भी ये कहने में अगर आप देखें कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं कि हमने शायद दिन का वर्स्ट देख लिया। पहली बार पोस्ट 13th March 2024 20 डेमा के नीचे एम एन एम फिसला है। फिसला क्या, आप शायद फिसला शब्द गलत हो गया, मेरे ख्याल से क्रैक हुआ है क्योंकि अब 20 डेमा और CMP के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 2643 के आसपास। और याद रखिएगा अगर ये उस लेवल तक जाता है तो 2024 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा होगा। इन्होंने अपने प्राइस कट्स लिए थे XUV700, इनका सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महंगा और सबसे अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण जो मॉडल है जिससे पूरी M&M की अगर आप देखें सक्सेसफुल, जिसे कहते हैं ना एक जो इनका सबसे रिच पोर्टफोलियो था उसकी कहानी शुरू की थी XUV700। अब एक काम करते हैं, पहले इंडस्ट्रीज को देखते हैं। देखिए आज निफ्टी में जो हुआ, आई थिंक ये बिल्कुल न मेरी कल्पना शक्ति में था न ऑप्शन राइटर्स की कल्पना शक्ति में था। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं, मुझे कोई भी ट्रेड लेने के लिए या फिर प्रॉफिट को बुक करने के लिए क्लू संकेत जो है वो सिर्फ ऑप्शन राइटर्स के जोन से लेना पड़ेगा। और वो कल क्या थे 24400, कल क्या थे 24300 और हद से हद 24200। बट ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आज क्रैक हुए, डिसाइसिवली क्रैक हुए। जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। हमने पहले तोड़ा 24400, फिर हमने 24300, फिर 24200 और हम ऑलमोस्ट 24146 तक रिट्रेस होके आए। आज निफ्टी ने इस कूलिंग ऑफ में, इस इंट्राडे सेल ऑफ में जो ट्रेजेक्ट्री हुई, दैट्स कॉल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 डेमा को निफ्टी ने रिविजिट किया है 24 जून के बाद पहली बार, तो अपने आप में ये अच्छी चीज़ भी है। डायरेक्टर साहब इसको हटा दीजिए, इसका कोई मीनिंग है नहीं। ये अपने आप एक अच्छी चीज़ है भी कि बाजार को रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ की ज़रूरत थी वो हो गई। बट आज आपने ऑप्शन राइटर्स को एक्सपायरी माइनस वन डे पे निफ्टी पे ट्रैप होते हुए देखा। मैं आपको इंटरेस्ट स्टैट्स दूंगा अब यहाँ पे कि हो क्या रहा है। जरा प्लीज़ कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स दिखाइएगा। देखिए मार्केट में रिकवरी है, बट क्या ये रिकवरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी बदल जाएगी? लेकिन आइए कॉल्स और पुट्स का कंसंट्रेशन कैसा है इस वक्त आपके स्क्रीन पे। 24300 जिस जोन को हम स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे याद रखिएगा इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। और नीचे पुट राइटिंग अभी भी अगर आप देखें जिस स्ट्राइक पे हुई है आज, उसमें बहुत कंसिडर करने लायक कोई नहीं है। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग वाइज आपकी स्क्रीन पे है, इंट्राडे में 22200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। तो रिस्क टेकर्स ने जिन्होंने रिस्क लिया वो प्रॉफिट में है। अब उनके लिए एक गाइड, एक क्लू ये भी है कि अगर ये अपस्विंग 24300 को पार करे, 24310 को पार करे तो ये एक और टफ पुलबैक हो सकता है। मतलब ये पुलबैक और स्ट्रांग हो सकता है अगर आप 24300 पार कर दें। बट याद रखिएगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर आप इस पुलबैक को खेलने जा रहे हैं तो 24200 की ट्रेजेक्टरी को आपको नहीं सरेंडर करना है, उसके नीचे ट्रेड मत रखिएगा। नाउ निफ्टी बैंक, याद रखिएगा निफ्टी बैंक की बात यही हुई थी कि आपको डिप रीजनेबल बाय करने हैं। मेरे ख्याल से वो था 52376 और करीब करीब 131 की ट्रेजेक्टरी, बट ये उससे कहीं पर है। मैं आई थिंक इस वक्त कंसिडर भी नहीं करना चाहूँगा ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से। HDFC बैंक में एक पुलबैक आ रहा है इंट्राडे में। अब उस पुलबैक को देखते हुए
एचडीएफसी बैंक के पुलबैक को देखते हुए ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं, इसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। इंटरडे लो जो था वहाँ से थोड़ा सा पुलबैक आ रहा है, बट कोई साइजेबल नहीं है। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, 52,100, 52,000, 52,500, 52,400 के जो राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। 52,400 पे राइटिंग है जनाब, ह्यूज कॉल राइटिंग, 52,400 पे, 500 पे, 600 पे। और पुट राइटर्स अगर कहीं पे कन्विंस नजर आ रहे हैं तो वह है 52,100 और 52,000 की ट्रेजेक्ट्री। दैट मीन्स अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो मैं एक बात कहूँगा कि ये पुट राइटर्स ये कह रहे हैं कि वर्स्ट ऑफ द डे, वर्स्ट फॉर द डे आप शायद देख चुके हैं। राजेश जी, मैं निफ्टी बैंक के जो ट्रेड्स हैं उसमें आई थिंक कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आज। निफ्टी, निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हैं, आपका टेक दोनों इंडस्ट्रीज पे? तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी, तो देखिए मार्केट में आज एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग ओपनिंग के बाद से देखने को मिला और निफ्टी ने 24,300 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ब्रेक किया। लेकिन अगर हम पुट कॉन्सेंट्रेशन का डेटा देखें तो अभी भी 24,200 पे ही आज भी देखे तो एडिशन होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 24,200 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी थ्रू आउट द डे के लिए। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है, ये रिकवरी थोड़ी और बढ़ते हुए दिख सकती है, हो सकता है हम 24,350 की तरफ वापस आते हुए दिखे एक रिकवरी में। लेकिन थोड़ा अब यहाँ पे एक रेंज हमें लगता है निफ्टी में ट्रेड करते हुए मिलेगी, 24,200 से 24,400 एक बड़ी रेंज बन चुकी है जो कि इसके बीच में ही हमें लगता है निफ्टी ट्रेड करता हुआ रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बनता रहेगा। तो डिप्स में 24,200 के जितना नजदीक मिले वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 24,170 का, स्पॉट के लेवल बता रहे, और पुल बैक में 24,300 और 24,350 ये रेंज में आता है तो प्रॉफिट भी बुक करना है क्योंकि अब ये ट्रेडिंग दायरे में आ चुका है मार्केट। एक हमें लगता है कि थोड़ा कुछ समय यहाँ पे इस रेंज में बिताते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में आज के डेटा में भी देखें तो 52,000 की स्ट्राइक पे ही मेजर पुट ऐड होते हुए दिखे, तो ये एक क्रिटिकल लेवल रहेगा 52,000 का आज के अब बचे हुए दिन के लिए। आज एक्सपायरी भी है तो 52,000 काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए बचे हुए दिन के लिए। अगर 52,000 के नीचे फिसलता है तो ये फिर 51,800 की तरफ बहुत जल्द गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो 52,000 के स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे रखना चाहिए। एक जो इनिशियल डिप थी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, थोड़ा रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, बट कहीं भी बैंकिंग स्टॉक्स में एज सच कोई भी ऐसा बड़ा लीडरशिप में अभी यहाँ पे स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है जो कि बैंक निफ्टी को वापस यहाँ से एक पुल बैक देता हुआ दिखे। हालांकि ICICI बैंक और HDFC बैंक में यहाँ से एक रिकवरी जरूर बनी है डिप से, लेकिन हमें लगता है अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ICICI बैंक में ही एक स्ट्रेंथ है ओवरऑल, तो वहीं से हमें लगता है कि लीडरशिप आते हुए दिखेगी। अगर वो आती है तो फिर बैंक निफ्टी भी पुल बैक देगा टुवर्ड्स 52,400 स्पॉट का लेवल है और 52,500 यहीं पे वापस हमें लगता है कि रुकता हुआ दिखेगा क्योंकि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अब 52,500-400 पे यहाँ पे बनाई है, तो हमें लगता है वो लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत होगी आज के लिए। तो एटलीस्ट तो ये रेंज बाउंड दायरा रहेगा 52,000 के नजदीक। अगर आपको बाय करना है तो 52,000 के नजदीक बाय करें, स्टॉप लॉस आपका 51,900 छोटा ही रखना हो। ओके, निफ्टी निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी ये। राजेश जी, आज आपके तीन स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं जिसको आप चेस कर रहे हैं? तो वीरेन जी देखिए, तो आज इंश्योरेंस स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, पूरा ही खेमा आज एक अच्छा मोमेंटम में, ICICI प्रू, HDFC लाइफ, SBI लाइफ सभी, और इवन कैश का LIC भी देखे तो वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, उसमें ICICI प्रूडेंशियल पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, एक कंसोलिडेशन रेंज का, बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। ICICI प्रू के अपसाइड के टारगेट 685-690 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 648 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ग्रैसिम, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक अपने डे के हाईएस्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है अपने ब्रेकआउट के ऊपर, हमें लगता है ग्रैसिम में एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट ग्रैसिम में जो आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 2840-2860 की तरफ, स्टॉप लॉस होना चाहिए 2755 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो है मैरिको का। देखें तो FMCG पैक में एक मोमेंटम बना हुआ है, अभी भी
इस वोलेटाइल मार्केट में मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट डिफेंसिव सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, और उसमें हमें लगता है कि एक एफएमसीजी में ऑलरेडी एक मोमेंटम बना है, तो मैरी को हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि 665-670 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 635 के आसपास। ओके तो ये आपके तीन ट्रेड्स हैं। एक बात है, मैंने स्क्रीन पे जिस चीज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा, देखिए स्ट्रेंथ REC PFC में तो है ही, MGL IGL में सुबह से ही है, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में सुबह से ही है, बट जो निफ्टी FMCG में मूव है ना, वो जनाब वाकई काबिल तारीफ है, स्टॉक और इंडस्ट्रीज वाकई अच्छा करते हुए। बहरहाल अब थोड़ा सा हम विषय को बदलेंगे, और अभी हाल ही में अगर आप देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रूस की यात्रा की, जहाँ से वो अगर आप देखें प्रस्थान कर चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की भी, ऑस्ट्रिया की भी, तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसी यात्रा की उपलब्धियों को लेकर, समझौतों को लेकर हम बातचीत करेंगे लक्ष्मण जी से। इस वक्त हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, ये यात्रा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, अपने आप तो एक तो होता है कि आप संकेत कर देना चाहते हैं, पूरा विश्व इस वक्त दो भागों में बटा हुआ है ना, कौन अमेरिका के साथ है, कौन यूक्रेन के साथ है, कौन रशिया के साथ है, हमने शायद एक मिडवे अप्रोच ली। यात्रा इटसेल्फ ये कितनी महत्वपूर्ण थी, और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, क्या निकल के आया, आउटकम क्या था इस यात्रा का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये यात्रा कूटनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और ये कूटनीतिक के साथ साथ दोनों देशों के बीच, भारत और रूस के बीच कारोबारी रिश्ते के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जो साझा बयान है उसको लेकर के तीन सेक्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि तीनों सेक्टर में रूस के साथ भारत की साझेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर वो है डिफेंस। डिफेंस को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि भारत जितना भी सामान डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदता है बाहर से, उसमें से 60-70% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ रूस की होती है। अब ये तय किया गया है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, पार्ट्स बनाए जाएंगे, उसके लिए दोनों देशों के बीच में साझेदारी की जाएगी। ये साझेदारी ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिहाज से होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। दोनों देश ज्वाइंट वेंचर करके प्रोडक्शन करेंगे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट का, डिफेंस के पार्ट्स का। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है दोनों देशों के बीच में डिफेंस के लिहाज से। दूसरा है वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, चूँकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइज़र के कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, तो रूस एक रास्ता रहा जहाँ से फर्टिलाइज़र हम इम्पोर्ट करते रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी इम्पोर्ट जारी रहेगा, इस पर सहमति बनी है। फर्टिलाइज़र कंपनियों के साथ कंपनी टू कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए करार किया जाएगा, उस करार के तहत फर्टिलाइज़र वहाँ से इम्पोर्ट होता रहेगा, ये सुनिश्चित किया गया है। यानी फर्टिलाइज़र की किल्लत नहीं होगी, बढ़ती कीमत का असर घरेलू बाज़ार पर नहीं पड़ेगा, ये लगभग एक इशारा मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरा वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेके US लगातार आंखें दिखाता रहा है कि आप रूस से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी ये तय किया गया है कि कच्चे तेल को लेकर के दोनों देशों के बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। कोकिंग कोल का इंपोर्ट बढ़ाया जाएगा, जो कि कोकिंग कोल भारत में नहीं होता, नहीं के बराबर होता है, वो बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है इन सारे सेक्टर के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अच्छा, एक होता है लक्ष्मण जी सेक्टर, प्लस हर कंपनी का अगर आप देखें सरकार हो, मुझे याद आता है कि जब HUL का बहुत स्वर्णिम काल नहीं था, और HUL का तब मात्र अगर आप देखें सुखोई जब खरीदा गया था 1996 में, उसके बाद उसका निर्माण ये HUL को काफ़ी समय तक बचा के ले गया, HUL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, माफ़ कीजिएगा। अब जो ये आप तीन सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, स्पेशली डिफेंस एंड फर्टिलाइजर्स, इनका घरेलू सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा किसको अगर आप देखें वरीयता मिलेगी, कौन सी कंपनियों पर नज़र रखें इस संदर्भ में? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि ख़ास तौर से जब कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो डिफेंस PSU पे आपको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो करार किया जाएगा वो दरअसल जो भी वहाँ से रूस से भारत में जो डिफेंस के सामान आते हैं, उन सामान के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं, उसको लेकर के निर्भरता रूस पे ना रहे। सामान आपका आ गया एक बार तो उसमें अगर ख़राबी निकलती है, किसी पार्ट्स को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे उस पार्ट्स का
उत्पादन कर सके, यह कैसे सुनिश्चित होगा? तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दोनों देशों की कंपनियां मिल करके साझा प्रोडक्शन करें ऐसे पार्ट्स का, तो ये इस करार का एक सबसे बड़ा फायदा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डिफेंस पीएसयू हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिख सकता है और उसके जरिए इनका प्रोडक्शन होता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर के, तो फर्टिलाइजर में अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में रूस से फर्टिलाइजर का इम्पोर्ट अगर क्वांटिटी के टर्म में देखें तो 300 गुना बढ़ा है। अब 300 गुना बढ़ा है इस वजह से क्योंकि जब रूस यूक्रेन वॉर हो रहा था तो फर्टिलाइजर कच्चे माल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, ऐसे में रूस से आप फर्टिलाइजर लेकर के आ रहे थे जिससे घरेलू बाज़ार में आप सप्लाई पर्याप्त बना के रखते थे। इसमें MOP बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी क्योंकि MOP का इम्पोर्ट ज़्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर में रूस से होता है और MOP का इम्पोर्ट आगे लगातार होता रहेगा, ये सुनिश्चित यहाँ पे किया जा रहा है। इसी तरह से कोकिंग कोल, जो कि कोकिंग कोल के इस्तेमाल करने वाली कंपनियाँ हैं उनको सस्ते में कोकिंग कोल मिल सकेगा इस कोशिश से, खासतौर से स्टील कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं, जो हाई एंड प्रोडक्ट बनाती हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए भी राहत की खबर होगी। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक विस्तार से बताया कि एग्जैक्टली इस यात्रा का मीनिंग क्या है, किन सेक्टर्स को और किन कंपनियों को अगर आप देखें अल्टीमेटली अगर आप देखें बेनिफिट पहुंचेगा इस यात्रा का, इस पर बात करिए मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक स्लॉट के आएंगे तो आज का ऑप्शन ट्रेड कुछ ऑप्शन को और एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, लेकिन उसको पिक करने से पहले जरा मैं इनफैक्ट कल के एक ट्रेड के बारे में बताऊँ आपको। यहाँ पर कल इसी कार्यक्रम में जब शिल्पा राउत जी थी प्रभुदास लीडर से और उनसे पूछा गया आज का सस्ता ट्रेड मतलब कल, तो जो कॉल पिक की गई थी उनकी तरफ से था वो था SBI लाइफ फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 34.45। मेरे ख्याल से इंटरडे में उसको पार कर चुका बट राइट नाउ इट्स 31.45, तो वो टारगेट्स हिट हुए, करीब करीब 3900 तक का स्विंग लगा के आई थी ये कॉल। राजेश जी अब आपकी बारी है, आज कुछ ऐसा दीजिए कि जिसमें स्विंग अच्छा मिले, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो वीरेन जी सस्ता ऑप्शन ट्रेड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड का। स्टॉक में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला स्टॉक में, जिस तरीके से एक अप ट्रेंड बना हुआ है और इस वोलेटाइल मार्केट में वापस स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो 345 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब बनना चाहिए 13 रुपए से 15 रुपए की तरफ, ये ऑप्शन बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 345 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है पावर ग्रिड में। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6.50 रुपए के आसपास। ओके, पावर ग्रिड की कॉल आपको बाय करनी है, ये आपकी स्क्रीन पे 8.07 रुपए पर ट्रेड करते हुए पावर ग्रिड एक बार स्क्रीन पे लिखा है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखा था, यस इनफैक्ट टिक बाई टिक चार्ट बात करते करते आप देखें से स्विंग आता हुआ 347.15 डी हाई पर, मेरे ख्याल से यस इसने अब अपना जो करियर हाई है उसको अभी अभी विजिट किया है, 347.40 प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको रिविजिट करता हुआ स्टॉक ऑल टाइम हाई पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडेसिस पर रखे आपने। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज का वाई कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।